गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कल मैंने आपको पांचवें सबक की जैसे कि खाली जगह है, सही गलत है, वो करवाए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को, जो ये लफ्ज़ है बच्चों, उसको अलग अलग हरूफ में लिखना है। ठीक है, अब पहला है फीस। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे हम? तो ये फ या की छोटी फ ई सीन फीस हो गया बच्चों। अब दूसरा है बटवा, तो उसमें क्या करेंगे हम? तो बा पूरा लिखेंगे तो भी पूरा आएगा, और वाव ऑलिफ बटवा ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है गेंद, तो गाफ या नून गाफ या नून दाल गेंद। ठीक है बच्चों, ठीक से लिखना है। अब है इनाम, तो अलीफ नून ऐन अलीफ मीम। ठीक है, एक एक हरूफ को पूरा अच्छे से लिखना है। ठीक है, कौन से हरूफ है वो ध्यान से देखिए और फिर उसको पूरे यहाँ लिखना है। ये जुड़े हुए हैं बच्चों, आपको अलग लिखना है। ठीक है, अब पांच है मिसाल, तो मीम सीन अलीफ लाम अलीफ। ठीक है, तो इस तरह से ये ऊपर लफ्ज़ों के हरूफ को अलग करके लिखना है। अब बच्चों नीचे हिस्सा अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाए, तो बटवा, बटवे में क्या रखेंगे? तो नॉट, तो जुड़ा हुआ है। अब कपड़ा, फिर है गेंद, फिर है फीस, फिर है नेकी और है आटा। ठीक है, हम नीचे से शुरू करेंगे बच्चों। आटे से क्या बनेगा? रोटी। ठीक है, और कपड़ा, कपड़ा गेंद फीस और नेकी। नेकी क्या है बच्चों? ईमानदारी है ना। अब कपड़े से क्या करेंगे? सिलाई मशीन। और गेंद खेल में आएगा, और स्कूल की हम फीस भरते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आज इतना करना है बच्चों। ठीक है, और अपनी कॉपी में अच्छे हरूफ में ये लिखना है।